रिंकू सिंह, पिछले कुछ वक्त से ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। खैर हो भी क्यों ना, आखिर धमाल भी तो ऐसा ही मचाया है। जब से रिंकू सिंह ने कहर बरसाना शुरू किया है, लोग इसे महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े नाम से कंपेयर कर रहे हैं। वजह है कि ये मैचेस फिनिश करना जानते हैं। आईपीएल में कई मैचेस इन्होंने ऐसे फिनिश किए हैं कि लगा कि बस इतना सा और रह जाता। आपको याद है ना, एक मैच ये 2 रन से हारे थे, एक मैच इन्होंने लास्ट में 5 छक्के मारकर यश दयाल को जिता दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा फिनिशर हमें आईपीएल से मिल जाएगा। 14 मैच खेले थे आखिरी सीजन में, 474 रन बनाए थे, 67 हाईएस्ट था। आप सोचिए 59 का एवरेज अगर किसी खिलाड़ी का हो, और वो भी करीब 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो पता लग जाता है कि है ना कि खिलाड़ी नहीं है ये बवाल मिल गया है इंडियन टीम को। और वही बवाल उन्होंने इंटरनेशनल में भी मचा दिया। जब डेब्यू हुआ तो पहले मैच में बारिश हो गई, कुल मिला के कहें तो मैच हुआ ही नहीं। आईपीएल में एक और स्टैट बता देता हूं आपको, कितने छक्के मारे होंगे 14 मैच में, लगाइए अंदाजा। अगर पहले कमेंट में बता दीजिए, चलिए मुझे, अगर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कितने मारे थे, अगर सही हुआ तो फिर हम बात करेंगे। खैर जब आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ तो पहला मैच बारिश से धुल गया, दूसरा मैच आया, मौका मिला, दस्तूर भी था और रंग में भी रंगे हुए थे रिंकू। 3 छक्के जड़े आते ही 2 चौके जड़े, 38 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट कितना रहा, 181 के करीब का। जी हाँ, लगभग आप अपना डेब्यू मैच खेल रहे हो उसमें 181 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बना रहे हो, आप फिनिशर वाला रोल बखूबी अदा कर रहे हो। ये बेहतरीन पारी की बदौलत उनकी एक जो रुतबा था, उन्होंने वो बता दिया कि भैया जिस इमेज के साथ हम आए हैं वही इमेज से हम खेलेंगे। चलिए आईपीएल के छक्के बता देता हूँ आपको, 29 छक्के उन्होंने जड़े थे, चौके भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, बताऊंगा चौके कितने जड़े थे, गैस हो रहा है तो आप कॉमेंट में बताते जाइएगा मुझे। खैर उन्हें रिंकू सिंह ने अब एक काम किया है, वो एक काम बहुत छोटा है, लेकिन कहते हैं ना कई बार छोटे काम आपकी बड़ी बात मनवा देते हैं। रिंकू सिंह ने आयरलैंड से वापसी आने के बाद एक पोस्ट शेयर की, उस पोस्ट में उनके माता पिता हैं, जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं आप वही वो पोस्ट है। इस पोस्ट में वो अपने माता पिता के साथ खड़े हैं जिन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है। जी हाँ, इस फोटो में रिंकू सिंह के हाथ दोनों के कंधों पर हैं और इसके साथ में कैप्शन लिखा है, जिनकी वजह से ये सब हुआ, जहां से ये सब शुरू हुआ। रिंकू सिंह की यह अदा फैंस को बहुत पसंद आई है, उनके फैंस ये बता रहे हैं कि वो कितने कहते हैं ना ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। दरअसल हो भी क्यों ना, उनके परिवार की जो कहानी है वो वाकई में बड़ी दिलचस्प लगती है। आगरा का एक लड़का 9वीं तक वो पढ़ता है, 9वीं फेल हो जाता है, उसके पिताजी क्या करते हैं, सिलेंडर डिलीवरी का काम, भाई ऑटो रिक्शा चलाता है। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि फैमिली को सपोर्ट करूं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते तो एक ऑफिस में काम ले लेते हैं, क्या पोछा लगाने का। लेकिन उनके अंदर क्रिकेट के लिए जुनून था, और जुनून भी ऐसा कि बस वो सब कुछ छोड़ सकते थे मगर क्रिकेट नहीं छोड़ सकते थे। पिता और भाई ने भी समझा ये जुनून और मौका दिया खेलने का। खेला भी ऐसा कि कोलकाता की तरफ से जब आईपीएल में खेले थे ना इस बार, तो कह दिया गया था भैया इनके लिए नीली जर्सी बुक हो गई है, और आयरलैंड में वो नीली जर्सी पहना दी भी गई। अब क्या है, अब आगे एशियन गेम्स आ रहे हैं, उसमें भी इनका नंबर है, तो देखते हैं। उम्मीद यही करेंगे हम तो कि रिंकू सिंह वहां भी खेलें और जल्द ही टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से नीली जर्सी पहने सीनियर लेवल के लिए, क्योंकि मौका आने ही वाला है। और टीम अब बदलती हुई भी नजर आ रही है, यंग टीम इंडिया तैयार हो रही है, और उस टीम इंडिया में फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को देखा जा सकता है। बहरहाल आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये पोस्ट रिंकू सिंह का कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।